देखा और मैंने पाया तो यहाँ पंडोखर धर्म की ऐसी है कि एक सिस्टम में लोगों को बांध दिया जाता है और उस सिस्टम में गुजरने के बाद उनको धाम में जो भक्त आ रहे हैं वो कैसा महसूस करते हैं यहाँ आने के बाद, क्या सच है क्या झूठ है, इसका खुलासा करने के लिए आपकी जनता दल न्यूज हमेशा तैयार खड़ा रहता है। बात करते हैं, एक भक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या, कहाँ से आए सर आप? मैं रीवा से आया हूँ। कहें मैं वर्तमान में अभी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र से PhD कर रहा हूँ। रसायन शास्त्र से आप PhD कर रहे हैं, पंडोकर धाम में कब से आ रहे हैं? पंडोखर धाम में मैं 2015 से जुड़ा हूँ। 2015 से लेकर 2022 के अंतराल में आपने पंडोखर धाम के बारे में क्या, PhD में क्या रिसर्च किया है? पंडोखर धाम क्या है और यहाँ कुछ हकीकत है या फिर लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहना है? एक्चुअल में जो मैंने देखा और मैंने पाया तो यहाँ पंडोखर धर्म की महिमा और ऐसी है कि एक सिस्टम में लोगों को बांध दिया जाता है और उस सिस्टम में गुजरने के बाद उनको एक नई दिशा मिल जाती है जिससे वो सफल हो जाते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने देखा कि मैं अगर मुझे कुछ न मिला रहता तो मैं इतना लंबी यहाँ नहीं आता। मुझे काफ़ी कुछ प्राप्त भी हुआ और एक नई दिशा मिली आगे बढ़ने के लिए और गुरुजी बताए हैं तो उसी मार्ग पे मैं चल रहा हूँ और मुझे काफ़ी आस्था श्रद्धा विश्वास का विषय है। तीनों चीज़ों को लेके अगर इंसान कहीं भी प्रयास करता है तो ज़रूर उसको सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो PhD आप हैं, रिसर्च आप कर रहे हैं, पंडोखर धाम में PhD भी किया आपने, यहाँ के बारे में भक्तों से मिले होंगे, जी आपका कोई ऐसा काम हुआ है जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ पंडोखर धाम में कुछ हकीकत है? पंडोखर धाम में पहली बात तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि आप शोध के क्षेत्र में अच्छे पद पे जाएंगे। तो मैंने पहले ICMR जैसे संस्थान में मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने वहाँ 4 साल तक काम किया और उसके पहले मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में था और फिर सडनली मेरा क्या बोलते हैं PhD में एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू निकल गया और RDC हो गई। अब रिसर्च वर्क चल रहा है और गुरुजी ने ये आश्वासन दिया है कि आप एक हायर लेवल के पद में शोध क्षेत्र में जाएंगे तो यही आशा है। तो आपका लक्ष्य क्या है, क्या सपना देखा है आपने? मैंने एक वैज्ञानिक या प्रोफेसर बनने का ख्वाब है मेरा। आपको उम्मीद है कि जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो पंडोकर धाम में आने से पूरा होगा? सिक्योर्ड आस्था श्रद्धा विश्वास तो है। तो 2015 से 2022 यानी 7 साल आपको हो रहे हैं, तो 7 सालों में आप लगातार प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ग्रोथ हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि घर की परिस्थिति, एक दो समस्याएं थी तो जो सॉर्ट आउट हुई हैं और मुझे मतलब प्रतिदिन कुछ एक नई दिशा मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो मतलब अनुकूल दिशा मिल रही है और मैं प्रयास करते रहता हूँ। निरंतर प्रयास करने वाले को कभी असफल नहीं होता व्यक्ति और परमात्मा पे ध्यान लगाने से भगवान नाम ही एक ऐसी है कि पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है और जब सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी तो कोई भी काम करेगा तो ज़रूर सफल होगा। जी, तो आप थोड़ा अध्यात्म पे भी हम बात करेंगे, जिस तरीके से मैं आपसे। जैसा कि मैं करीब 14 साल की उम्र से सुंदरकांड कर रहा था तो हनुमान जी का भक्त हूँ। अभी भी मैं चित्रकूट में हूँ तो मैं 2 दिन सुंदरकांड करता हूँ। कलयुग में भगवान है? यस, ये तो भगवान है, कलयुग के सबसे बड़े देव बजरंग बली हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ, भगवान श्री राम बजरंग बली का। और उन्होंने ही मुझे यहाँ लाया, उन्होंने ही मुझे चित्रकूट ले गए। हनुमान जी को कभी देखा है? हनुमान जी को सपने में देखा है, कैसा आकार, कैसा स्वरूप है? उनका मतलब रूप है ऐसे जैसे दिखते कभी फोटो वोटो में, जैसे बाल वाली मतलब है शरीर में बाल रोम वाले चित्र ऐसे दिखे हैं। मतलब जैसा हम अपने चेहरे पे मस्तिष्क में या जैसी तस्वीर अपन आकार बना लेते हैं उसी तस्वीर में हमको भगवान जी दिखाई देते हैं, ऐसा अपन मान सकते हैं?
हाँ ऐसा सोच सकते हैं कि एक ये कल्पना कर लिए, भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन आप जिस भी रूप में देखो परमात्मा उसी रूप में आपको दिखेगी। माँ बाप भी सबसे बड़े दुनिया के भगवान तो माँ बाप ही हैं, और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है, और जो माँ बाप को खुश कर लिया उसको भी एक नई दिशा मिलती है। हाँ, घर के जो देवी देवता हैं उनको पहले आप आहुति दीजिए, उसके बाद परमात्मा की शरण में जाइए तो और अच्छा है। आप अपने माता पिता को आहुति देते हैं? जी, हम कभी भी पूजा करेंगे, कोई भी मतलब अनुष्ठान पूजा पाठ करेंगे उसमें सबसे पहले अपने घर के देवी देवता, जो कुल देवी देवता हैं, गृह ग्राम, इन देवी देवताओं को पहले आह्वान करेंगे, उसके बाद फिर बजरंगबली भगवान श्री राम का नाम लेंगे। आपको माता पिता भी इस समय देख रहे हैं हमारे चैनल पर, माता पिताजी सुन रहे होंगे, आप माता पिताजी की किस तरीके से सेवा करते हैं? हम माता पिता को तो आप ये मैं भावुक होने की स्थिति में आ गया, माँ बाप तो हमको इतना मतलब है उनके, मैं कहा जाए कि माँ बाप के लिए मैं एक बहुत बड़ी उम्मीद हूँ, और मैं परमात्मा से यही गुहार लगाता हूँ कि मैं उनको उम्मीद को मुझे ऐसी दिशा दे कि मैं उनकी उम्मीद को मैं पूरा करूँ। मैं अपने 5 भाई 1 बहन में मैं चौथे नंबर का, 4 भाई 3 भाई मेरे से बड़े हैं, मैं चौथे नंबर का हूँ, छोटा वाला एक छोटा भाई है मेरा, एक बहन है मेरे से छोटी। तो जहाँ रही बात है कि उंगलियाँ 5 होती हैं, लेकिन एक मतलब एक उंगली अगर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वही काम करती है। निश्चित रूप से आप माता पिता के उम्मीद बनिए, और माता पिता जो सोचते हैं वैसे उनके सपनों को साकार कीजिए, आगे बढ़िए, PhD करके आप प्रोफेसर बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक आपके साथ। पंडोखर सरकार के पास आने से व्यक्ति का भविष्य तो नहीं बदल पाता, लेकिन व्यक्ति के विचार बदलने की एक नई दिशा मिल जाती है, और गुरुजी के मतलब आशीर्वाद से, तो जब व्यक्ति अपने विचार को बदल देता है तो उसका भविष्य ऑटोमेटिक बदल जाता है, सडनली बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं बदल पाएगा, व्यक्ति को अपना विचार बदलना पड़ता है। अब विचार पंडोखर सरकार की शरण में आने से, पंडोखर सरकार के आशीर्वाद से ऐसी दिशा मिल जाती है कि वो आदमी का विचार ऑटोमेटिकली बदल जाता है। साथ है, जुड़े रहिए, आपकी जनता न्यूज़ की हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार। चलिए, आपकी समस्या बोले क्या बात, समस्या बोले क्या बात? जी, 2011 में पिताजी एक्स्ट्रा हो गए, उसके बाद बस फिर मामा जी के पास रहे थे, कुछ अच्छा ही हुआ, शादी हुई थी, मामा जी अपने बस सास हुई थी, और बाद में अच्छे लिए रहा आने हम पर अपने माँ बाप आए हैं। आपका नाम क्या है? रोकी है। रोकी रोकी आपकी अच्छी जगह क्या प्रीति? चलिए, हमें इसमें मिलता है, इसके लिए हमें लिखा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कविता और प्रीति, अरे कविता और उसने लिखा है, मेरे को तो पसंद नहीं है, और देखो क्या लिखा है कविता के बाद, लेकिन इसमें और तो नहीं लिखा, इसमें लिखा है कविता यानी कि आपकी भाई की पत्नी और प्रीति माने आपकी पत्नी, क्योंकि खेल राइटिंग का है, और पोता तो पत्नी एक ही हो जाता है, और आधा आधा लगे तो उसमें लिखा है डेस्क का क्या समझ गए, दो है यानी कि कविता और प्रीति, एक घर में एक लड़की, एक ही घर में विवाह हुआ है, ऐसा है? हेलो, ऐसा ही है ना? तो ठीक है, आओ देखो भैया, हम ही लिखते हैं, हमको पता नहीं क्या लिखते हैं, मदरा छुपेगी, घर में तनाव बना है, गर्भपात हो जाता है, बालक होगा, करियर बनेगा, आपकी समस्या हल होगी, प्रीति की समस्या हल होगी, और आपकी जो कविता जी है जो एयरपोर्ट पर जॉब करती है या एयरपोर्ट से संबंध रखती है, क्या कुछ है जॉब करती है करती ना,
आपको शंका है, गड़बड़ है, अड़बड़ है, सड़बड़ है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन सब ठीक ठाक है। जय सीता तमाम कल्याण हो, तुम भला हो, तुम परवान बन जाए, हमको चुका रहे कि हमारे साथ चलना। और इसके लिए एक उपाय है, तो सुबह मिल लीजिएगा सोनू महाराज जी से और 11.25 किलो जलेबी पंडुक सरकार पुष्पावती को चढ़ा करके वहाँ एक प्लेट पहुँचाएंगे, एक पंडुक सरकार पर और एक प्लेट मेरे कमरे में भेज देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आशीर्वाद सुबह घर में भी लिखा जाएगा। बोलो बाबू लता समा ला। आपके भाई का नाम क्या है? ओके, हमने तो निशान लगा दिया कि मुझे आपसे क्या खाना है। अरे भाई हमको तो सब जगह कैसे भाई यूज क्यों क्या चाहिए, मेडिकल वाला तो निशान दिखता है। अब लोग कहते महाराज जी तो हम बता ही नहीं था आपको, हम बता रहे प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या पता भाई करा नहीं तो करा नहीं, हम महाराज जी लिखो है करा नहीं बात ना कही। वो कहते लिखो कौन है भाषा में लिखा था, हम कहेंगे तो बोले आपको हमें पता है वाले कौन से उन्हें पैसा डालना है। जो कि भैया जिसने दिया है उसका मैंने लिया जरूर है। मैं कोई व्यक्ति कहता है पंडो का दाम में पर्ची कटवाई, मैं कहता हूँ कटवाई होगी, मैं फिर में मिलता ही नहीं, और जब मिलूंगा तब हमारे साथ। नमस्कार, इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा विसलपुरा गांव पंडोकर धाम। पुलिस को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दरबार के साथ। नमस्कार, एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।